अपने 5 साल का सफलता पूर्वक कार्य पूरा किया उन्होंने। अभी वैसे 1.5-2 महीना बाकी है क्योंकि अगला चुनाव सुरेंद्र सोलंकी लड़ रहा है। जो आम आदमी पार्टी है मेरे पुराने पुराने मित्र की ही पार्टी है, मित्र की ही पार्टी है, मित्र की ही पार्टी है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज का आम आदमी पार्टी प्रेम दिल्ली के रोहिणी में देखने को मिला। लगता है आजकल भाजपा सांसद उदित राज आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कुछ ज्यादा ही ओतप्रोत हो गए हैं। जो आम आदमी पार्टी है मेरे पुराने पुराने मित्र की ही पार्टी है। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए किस तरह भाजपा सांसद उदित राज आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से अपनी नजदीकियों का जिक्र खुश होकर कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी है मेरे पुराने मित्र की ही पार्टी है। मेरी पत्नी और केजरीवाल जी की पत्नी दोनों साथ में काम की। दो हजार चार पांच की बात है तो मेरी वाइफ भी कमिश्नर है, वो भी कमिश्नर थी, तो साथ साथ काम करते थे तो शाम को आकर के कभी कभी बता देती थी तो सुनीता केजरीवाल जी ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, और मेरी बात भी मेरी वाइफ बताती थी उन लोगों को। ये बड़ा पुराना रिश्ता है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 में सांसद उदित राज डीडीए के द्वारा बनाए गए कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। निगम चुनावों से पहले पूरे क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास का दौर जारी है, लेकिन हैरानी की बात है कि क्षेत्र का एक भी भाजपा नेता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। डीडीए प्रोजेक्ट के उद्घाटन में आप विधायक महेंद्र गोयल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। भाजपा से पाला बदलकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र सोलंकी भी मौजूद थे, लेकिन भाजपा सांसद के साथ शायद ही कोई भाजपा नेता इस मौके पर मौजूद था। भाजपा सांसद ने पूर्व सांसद के द्वारा 10 करोड़ के फंड न खर्च किए जाने का हवाला दिया तो आप विधायक ने पूर्व भाजपा विधायक के द्वारा फंड खर्च न किए जाने की बात कहकर चुटकी ली। इस बात पर सांसद उदित राज भी खुद को हंसने से नहीं रोक सके। इशारा भाजपा के पूर्व विधायक कुलवंत राणा की ओर था। पहले की जो एमपी थी उन्होंने 10 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर किया था, वो भी मैं खर्च कर रहा हूँ। 85 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मैं न खर्च करे थे अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या उदित राज को उनके पार्टी के नेताओं ने ही किनारा कर दिया, या फिर आजकल उदित राज खुद ही पार्टी से दूरियां बनाने लगे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर भी सांसद उदित राज के बोल पार्टी के विचारों से अलग दिख रहे हैं। अब इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या निगम चुनाव से पहले सांसद उदित राज का ये केजरीवाल प्रेम किसी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। जो आम आदमी पार्टी है मेरे पुराने मित्र की ही पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।